बिहार के गया जी में पितृपक्ष मेले में लाखों श्रद्धालु अपने पितरों का पिंडदान करने को हर साल आते हैं, किंतु इसके बीच गया जी में एक ऐसा मंदिर है जहां जीवित लोग अपना पिंडदान करने को पहुंचते हैं। गया जी में वर्तमान 45 वेदियों में से एक वेदी के रूप में यह मंदिर विख्यात है। यहाँ लोग आत्म पिंडदान करने को आते हैं। भगवान विष्णु जनार्दन स्वामी के रूप में पिंड को ग्रहण करते हैं और ऐसी आस्था है कि आत्म पिंडदान करने वाले को प्रलोक में जाने के बाद उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आत्म पिंडदान करने के बाद संबंधित व्यक्ति को धार्मिक तौर पर दान कर्म कांड आदि करने पड़ते हैं, जो कि आत्म पिंडदान के तुरंत बाद किया जाता है। यह मंदिर हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि राजा मानसिंह के द्वारा इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था। यहाँ के पुजारी बताते हैं कि इस मंदिर का जिक्र धर्म पुराणों में भी बताया गया है। इस मंदिर में आत्म पिंडदान को लोग आते हैं। आत्म पिंडदान करने वाले भगवान विष्णु के दाहिने हाथ में पिंड देते हैं। भगवान विष्णु जनार्दन रूप में पिंड को ग्रहण करने की मुद्रा में है और उनका हाथ खुला हुआ है, जिसमें वह आत्म पिंडदान को ग्रहण करते हैं। इस तरह यह मंदिर गया जी की 45 वेदियों में से एक वेदी के रूप में विख्यात है, जहां आत्म पिंडदान किया जाता है। सबसे पहले आप वहां के मुन्ना गिरी और अजीत गिरी को सुनिए कि वो क्या कुछ बता रहे हैं इस मंदिर के बारे में। ये जनार्दन स्वामी का मंदिर है। यहां अपना श्राद्ध होता है। क्या अपना श्राद्ध? जिनका वंश में कोई नहीं रहते ना, तो जीवित समाधि आके अपना खुद देते हैं। खुद देते हैं? आखिर क्या वजह है इस तरह की होता है जो जीवित आदमी खुद अपना पिंडदान करते हैं? पिंडदान ये जनार्दन स्वामी सिर्फ एक ही है। यहाँ ही सिर्फ अपना श्राद्ध होता है, बाकी हर जगह अपना पूर्वजों का ही करता है। इस जगह जो है कि अपना श्राद्ध खुद आदमी करता है। कब से ये परंपरा चलती आ रही है? ये सदियों से चली आ रही है। मंदिर कितना पुराना है? और ये राजा मोहन सिंह का मंदिर बनाया हुआ है। अच्छा, महत्व इसका क्या है बताया? वही महत्व तो बताया आपको। अच्छा, ये मतलब पुराने ग्रंथों में भी इसका चर्चा भी। ये गया में जनार्दन भगवान का मंदिर है, पिंड वेदी भी कह सकते हैं। यही एक जगह है जहाँ अपना स्वयं का जीते जीवित में पिंडदान कर सकते हैं और ये बाल रूप में भगवान गया श्राद्ध करवा देते हैं। कब से ये परंपरा चलते आ रहा है? हम तो जब से पैदा हुए यही देख रहे हैं। बाकी तो कब से चले आ रहा है तो सोच लीजिए, मोहन सिंह का बनाया हुआ है तो उस समय से। तो यानी कि ये जो जीवित आदमी खुद अपना पिंडदान, हाँ खुद अपना पिंडदान कर देते हैं जीवित में। जीवित में और भी यहाँ पिंड वेदी, आखिर यहाँ क्यों, क्या मानता है? क्यों माता वही माता है जिनका कोई नहीं है, जो सोच रहे हैं कि मेरा मरला के बाद पिंडदान कौन करेंगे, तो हे भगवान साथ में पिंड लेते हैं जीवित में और बाल रूप में आके अपना गया श्राद्ध पिंड जितना है सब कर देते हैं। कितना पुराना मंदिर है ये? सोच रहे राजा मोहन सिंह कब के है, उस घड़ी का मंदिर है। तो आपने मुन्ना गिरी और अजीत गिरी को सुना, जिन्होंने इस मंदिर के बारे में बताया, इसके व्याख्या के बारे में बताया कि ये मंदिर आखिर कितना ज़्यादा प्रसिद्ध है, प्रमुख है और पूरे विश्व में ये एक इकलौता मंदिर है। इस तरह से आपको बता दें कि गया के भस्मकूट पर्वत पे स्थित इस मंदिर की अपनी अनोखी महत्वता है और आस्था है। यहाँ पितृपक्ष मेले के दौरान काफ़ी संख्या में लोग आते हैं और आत्म पिंडदान करते हैं। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन और इसकी ख्याति है कि मंदिर जो है पूरी तरीके से चट्टान पर आधारित है और चट्टानों पर ही निर्मित हुआ है। यहाँ भगवान विष्णु की जनार्दन रूप में अद्भुत प्रतिमा है। अस्थाई अभी भी है कि यहाँ के भगवान जनार्दन रूप में प्रतिमा भक्तों को हर मनोकामना की पूर्ति कर आशीर्वाद देते हैं। यह प्रतिमा मनोकामना पूर्ण करने वाली है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ के पुजारी बताते हैं कि जिस तरह से आत्म पिंडदान किया जाता है, यह विश्व के इकलौता ऐसा मंदिर पिंड देवी है और इसका धर्म पुराणों में भी जिक्र किया गया है। यह गया जी के 45 वेदियों में से एक पिंड देवी माना जाता है और यहाँ वेदी सबसे अलग है। शेष 44 वेदियों में पितरों का पिंडदान करने तीर्थयात्री देश विदेश के कोने कोने से आते हैं। वहीं जनार्दन मंदिर इकलौता ऐसा वेदी है
जहां लोग आत्म पिंडदान को आते हैं। आज इस प्राचीन और अद्भुत आस्था वाले इस मंदिर की जीर्णोद्धार की भी जरूरत है।